हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू इंडियन किचन रेसिपी चैनल। तो आज की रेसिपी जो हम बनाने वाले हैं वो है डार्क चॉकलेट कपकेक्स की। और कपकेक्स किसे पसंद नहीं आते, बच्चों का तो फेवरेट होता है कपकेक्स। और व्हाट बेटर देन मेकिंग अ डार्क चॉकलेट कपकेक। और बहुत ही ज़्यादा यमी और डिलिशियस सी रेसिपी है, ईजी रेसिपी है, बहुत झटपट बन जाती है। और जो बेकिंग वगैरह करने में नए हैं वो ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिए, बहुत ईजी है और बहुत जल्दी बन भी सकती है। तो चलिए हम रेसिपी शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इंग्रेडिएंट्स। तो यहाँ पे हमने ले लिया है 1 कप ऑफ मैदा, ऑल पर्पस फ्लावर, और यहाँ पे मैंने ले लिया है अनसॉल्टेड बटर। तो बटर होना चाहिए रूम टेम्परेचर में और एग्स भी होना चाहिए रूम टेम्परेचर में। तो ये दोनों हमने रूम टेम्परेचर में ले लिया है। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है चॉको चिप्स। तो इसको हम मेल्ट करके केक के बैटर में यूज़ करेंगे। तो ये 1/2 कप है। और साथ ही साथ हमने ले लिया है बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, वेनिला एसेंस और कोको पाउडर। और साथ ही साथ हम थोड़ा सा गार्निशिंग करेंगे थोड़े से चॉकलेट चिप्स के साथ। मिल्क चॉकलेट चिप्स में हमने यहाँ पे लिया है। और यहाँ पे हमने लिया है 1/2 कप ऑफ मिल्क। मिल्क भी थोड़ा सा रूम टेम्परेचर में होगा तो ज़्यादा बेटर होगा। तो ये बैटर में हम यूज़ करेंगे इसको। और फिर मैंने लिया है पाउडर्ड शुगर। तो शुगर को मैंने मिक्सर में पाउडर कर लिया था, 1 कप ऑफ शुगर लिया है यहाँ पर। तो चलिए अब ये सारी इंग्रेडिएंट्स रेडी है तो हम इसको बनाते हैं। तो यहाँ पे मैंने 1/2 कप ऑफ चॉको चिप ले लिया है और साथ ही साथ 3/4 कप ऑफ मैंने अनसॉल्टेड बटर, ये दोनों को इसमें डाल दूँगी। चॉको चिप आपके पास नहीं है तो अगर आपके पास डार्क चॉकलेट है तो वो भी अच्छा है, तो आप इसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। मैंने डार्क चॉको चिप लिया है और इन दोनों को मैंने माइक्रोवेव में हल्के से थोड़ा सा सॉफ्ट कर लिया, मेल्ट कर लिया और इसको अच्छे से मिक्स करके साइड में रख लिया। ये मैं अपने केक के बैटर में यूज़ करूँगी, यानी कपकेक्स के बैटर में। तो अब मैंने एक बाउल में मैंने ले लिया है एग्स और एग्स को मैं इसमें डाल दूँगी बाउल के अंदर। और साथ ही साथ इसके साथ ही अगर कोई भी शेल्स वगैरह पड़े हैं तो प्लीज़ इसको निकाल लीजिएगा, क्योंकि केक में ये नहीं आने चाहिए और अच्छे लगते भी नहीं है। तो इसमें मैं ऐड कर लूँगी पाउडर्ड शुगर, जो मेरा शुगर था इसको मैंने मिक्सर में ग्राइंड करके शुगर पाउडर बना लिया, बहुत ईजी है। तो क्योंकि मैं इसको हाथ से विस्क करने वाली हूँ इसीलिए मैंने पाउडर शुगर लिया है, वरना मैं नॉर्मल शुगर भी ले लेती अगर मेरे पास बीटर होता तो। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया है 1 टीस्पून ऑफ वेनिला एसेंस और इसको डाल के भी मैंने बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो अगर आपके पास बीटर है तो आप बीटर के साथ भी मिक्स कर सकते हैं। मेरे पास बीटर है बट मैं बीटर नहीं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे। तो बस यहाँ पे जो चॉकलेट और बटर का मिक्स है इसको मैं ऐड कर लूँगी। अगर आपके पास बटर नहीं है तो आप इसको ऑयल के साथ भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो ये सारा जो चॉकलेट और बटर का मिक्स है इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और आप ये देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आया है, डार्क चॉकलेटी सा एक कलर इसमें आ गया है। तो इसमें हम लेकिन और भी कोको पाउडर भी ऐड करेंगे तो उससे एक डार्क चॉकलेट का इफ़ेक्ट आएगा। तो अब मैं इसमें डालूंगी 1 कप ऑफ मैदा यानी ऑल पर्पस फ्लावर और इसको अच्छे से सीव कर लूँगी। तो इसके साथ ही मैं ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून ऑफ बेकिंग पाउडर और 1/2 टीस्पून ऑफ बेकिंग सोडा और साथ ही साथ 1/2 कप ऑफ कोको पाउडर भी डाल देंगे और इसको अच्छे से सीव कर लेंगे। मतलब इसका जो सारा लम्ब्स वगैरह होगा ये दिख रहा है आपको, इसको अच्छे से हमको सीव करके निकालना है। तो बस ये हो गया है मिक्स और इसको हम डाल देंगे इन सब के अंदर और इसको अच्छे से विस्क करके इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब अगर आपका बैटर थोड़ा सा थिक होगा तो आपको ऐड करना है मिल्क। तो ये देख सकते हैं मैंने 1/2 कप ऑफ मिल्क लिया था लेकिन मैं पूरा नहीं ऐड कर रही हूँ, जस्ट मेरे को अपने बैटर की कंसिस्टेंसी थोड़ी सी नॉर्मल करने के लिए मैंने उसका 1/2 मिल्क यूज़ किया है, मतलब 1/2 कप भी नहीं यूज़ किया है। तो ये देखिए ये अच्छे से मिक्स हो गया और ये हमारा बैटर रेडी है कपकेक का, डार्क चॉकलेट कपकेक्स का बैटर रेडी है। तो अब इसको डाल देंगे हम केक टिन के अंदर। तो ये जो है मेरे कपकेक टिन, इसको मैंने कपकेक लाइनर्स के साथ इसको ऐड कर दिया है और जो सारे जो केक कपकेक्स के बैटर है इसको हम डाल देंगे इसके अंदर और थोड़ा थोड़ा करके डालना है, पूरा उसके ऊपर तक नहीं भरना है। कम से कम 1/2 से थोड़ा सा ऊपर करके डालिएगा क्योंकि केक राइज होगा, तो कपकेक राइज होगा तो उसको थोड़ा सा स्पेस भी चाहिए।
तो ये फुल हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा ओवन है उसको हमने ऑलरेडी 10 मिनट्स के लिए प्रीहीट करने के लिए रख दिया है, और इसके ऊपर हम गार्निश करेंगे हमारे चॉको चिप्स, जो मिल्क चॉकलेट चिप्स है उससे इसको गार्निश कर देंगे। और इसको हम रखेंगे ओवन के अंदर फॉर 30-35 मिनट्स के लिए। कपकेक्स जल्दी बन जाते हैं एज़ कंपेरेटिवली केक से, क्योंकि छोटे छोटे होते हैं ना, तो 30 मिनट्स में ये आराम से पक जाएंगे। 180 डिग्री में आप इसको रख दीजिए 30 मिनट्स के लिए, और 10 मिनट्स के लिए प्रीहीट करने रख दीजिए। तो ये देखिए, ये ओवन में हमने रख दिया और 30 मिनट्स बाद ये आराम से रेडी हो जाएगा, बहुत यम्मी डिलिशियस से रेडी हो जाएंगे। और ये देखिए, 30 मिनट्स के बाद कपकेक्स अच्छे से राइज हो चुके हैं। और आप इसको क्या करिए, आप इसको निकालिए और इसको ठंडा होने के लिए आराम से रख दीजिए। 2-3 घंटे आराम से ठंडा होने के बाद ही खाइए, तभी इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। आप इमीडिएटली खाएंगे थोड़ा सा 10-15 मिनट के बाद, तभी भी इसका फ्लेवर इतना अच्छा नहीं आएगा। 3-4 घंटा आप इसको आराम से रख दीजिए और उसके बाद खाइए, तब बहुत अच्छा लगेगा। एक डार्क चॉकलेट का आपको टेस्ट बहुत अच्छा आएगा ठंडा होने के बाद। तो ये हमारे कपकेक्स रेडी हो चुके हैं, आप इसको सर्व कीजिए। आपके अगर कोई गेस्ट वगैरह आ रहे हैं या बच्चों के लिए भी आप इसको सर्व कर सकते हैं, बहुत ही यम्मी और डिलिशियस है। तो आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है। अच्छी लगती है तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू इंडियन किचन रेसिपी चैनल, और हम और भी अच्छे अच्छे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ आपसे अगली बार मिलेंगे। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, सी ऑन माई नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।